हेलो बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए टॉपिक अनेकार्थिक शब्द। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं अनेकार्थिक शब्द किसे कहा जाता है? तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। बच्चों, इसको देखिए, एक परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी है, इसको परिभाषा से समझते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें इस पंक्ति को पढ़कर पता चल रहा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक शब्द, यानी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, एक से अधिक अर्थ हैं, वे अनेकार्थिक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं और उनके अर्थ भी, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। शब्द अर्थ, नंबर एक है पट। पट जो शब्द है, अब हम देखेंगे कि पट शब्द है, इसके अर्थ कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, पट का अर्थ क्या होता है? कपड़ा, दरवाजा। पट का अर्थ क्या हुआ? कपड़ा और दरवाजा। नंबर दो अक्षर, जिस प्रकार ये मैंने यहाँ पे लिखे, इनको भी हम क्या कहेंगे, ये क्या है, अक्षर है, जैसे अ छ र, यानी कि इनको मिला के हमारा क्या शब्द बना, तो इसी प्रकार ये है अक्षर। अक्षर का अर्थ क्या होता है? वर्ण, सत्य, आत्मा, ईश्वर। वर्ण सत्य भी होता है उसका अर्थ, आत्मा भी होता है और ईश्वर भी होता है। नंबर तीन है हमारा अपेक्षा। नंबर तीन शब्द क्या है बच्चों? अपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा और आवश्यकता। इच्छा यानी मेरी इच्छा क्या है, और आवश्यकता यानी मुझे किस चीज की जरूरत है, आवश्यकता। नंबर चार है हमारा अली। अली जो शब्द है, इसका अर्थ देखेंगे हम यहाँ पर, भंवरा, बिच्छू, मदिरा, कोयल। भंवरा, भंवरा आप जानते हैं, जो फूलों के ऊपर बैठता है, इसका अर्थ वो भी होता है। बिच्छू यानी एक क्या है हमारा, एक कीट है वो, ठीक है, बिच्छू। मदिरा यानी जो शराब होती है, मदिरा। और कोयल यानी अली के, देखिए कितने सारे अर्थ हैं यहाँ पे, चार अर्थ यहाँ पे मैंने बताए हैं आपको। नंबर पांच है अमृत। अब अमृत शब्द को पढ़कर जैसे हमें पता चलता है, उसके अर्थ देखेंगे यहाँ पर। अमृत का अर्थ होता है जल, दूध, पारा, अन्न। इन शब्दों को पढ़कर भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है, जल क्या होता है, पानी, दूध क्या होता है, ये भी एक लिक्विड द्रव्य पदार्थ है, पारा ये भी एक लिक्विड यानी द्रव्य है, और अन्न यानी, ठीक है। नंबर छह, काल। अब ये काल क्या होता है, देखिए काल शब्द का अर्थ क्या हुआ, यम, शनि, शिव और मृत्यु, ठीक है, यम, शनि और शिव, शिव यानी भगवान, मृत्यु यानी आपको बताइए, ठीक है। नंबर सात है हमारा कोटि। कोटि शब्द है जो, इसके अर्थ होते हैं श्रेणी, करोड़, धनुष का सिरा, श्रेणी, ठीक है। कोटि का अर्थ हुआ श्रेणी, यानी कौन सी श्रेणी में रखा है, करोड़ यानी बहुत ज्यादा, और धनुष का सिरा, धनुष जो होता है, धनुष बाण, उसका सिरा। नंबर आठ होता है, शब्द है जो हमारा गुरु। गुरु का अर्थ क्या है, बड़ा, भारी या शिक्षक। गुरु का जो अर्थ है, गुरु को हम क्या कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, भारी भी कह सकते हैं, और शिक्षक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला, नंबर नौ, गौ। गौ को क्या कहा जाता है, गौ का अर्थ गाय। गाय सभी को पता है, वाणी यानी आवाज, और पृथ्वी यानी हमारी पूरी पृथ्वी। नंबर दस है हमारा और अंतिम है चक्र। चक्र का हमारा यहाँ अर्थ है एक अस्त्र और पहिया। एक अस्त्र, अस्त्र यानी एक हमारा औजार जो होता है, एक अस्त्र और पहिया, जैसे किसी भी चीज का हम पहिया, ठीक है। तो बच्चों, आशा करते हैं कि आपको जो ये मैंने अनेकार्थिक शब्द के विषय में आपको जो ये समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।